प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा देश इन दिनों एक तरफ वर्षा का आनंद ले रहा है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के हर कोने में किसी न किसी प्रकार से उत्सव और मेलों की धूम है। दिवाली तक सब कुछ यही चलेगा। पिछले दिनों हम लोगों ने कई उत्सव मनाए। हिंदुस्तान में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया है। मित्रता कैसी हो तो सुदामा वाली घटना कौन भूल सकता है, और युद्ध भूमि में इतनी सारी मान्यताओं के बावजूद भी सारथी का भी स्वीकारना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपनी विदेश यात्रा के तीसरे चरण में बहरीन पहुंचे। यहां के नेशनल स्टेडियम में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं देश के बाहर हूं, ऐसा लग रहा है कि मैं भारत में ही हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और बहरीन के संबंध व्यापारिक संबंधों से कई ऊपर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा गुजरात का बहरीन से पुराना संबंध है। उन्होंने कहा कि भारत और बहरीन के बीच कई समानताएं हैं। दोनों ही देशों में पारिवारिक मूल्यों को महत्व दिया जाता है। लेकिन बहरीन में आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। भारतीयता के ही ये रंग, यही तो हमारी शक्ति है। भारत की यही इंद्रधनुषी छवि पूरी दुनिया को चकित करती है, आकर्षित करती है। 21वीं सदी के भारत और बहरीन के बीच नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, इस काम के लिए मैं भी आपका एक साथी बनकर आपके बीच खड़ा हूं। साथियों, भारत में आज ईज ऑफ लिविंग हमारी प्राथमिकता है। न्यू इंडिया में किसी को अपनी बेसिक जरूरतों के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए अनेक विध काम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश का दुनिया में नाम बढ़ाया। दरअसल पीएम मोदी ने यूएई के दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख बिन जायद अल नहयान ने मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी को यूएई के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया। दुनिया में फिर भारत का बढ़ा मान, पीएम मोदी ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित। UAE ने किया पीएम मोदी को सम्मानित। UAE का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ जायद। भारत का दुनिया ने माना लोहा। प्रधानमंत्री मोदी पर भारत की 125 करोड़ जनता को फक्र है, और हो भी क्यों ना, जो दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। दरअसल UAE ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया। इससे जुड़े एक सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि इस पुरस्कार को लेकर मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह हमारी बढ़ती भागीदारी का सबूत है। यह भारत की 1.3 अरब जनता का सम्मान है। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच साझा सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए रिश्तों के अभूतपूर्व तालमेल को दर्शाता है। भारत और यूएई के रिश्तों की कोई सीमा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्राउन प्रिंस के साथ संयुक्त रूप से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए एक डाक टिकट भी जारी किया। इसी के साथ मोदी जी ने विदेशों में कैशलेस लेन देन के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए औपचारिक रूप से रुपे कार्ड लॉन्च किया। आज यूएई में भी प्रारंभ हो रहा है। आज शाम में बाहरीन जा रहा हूं, वहां भी इसको लॉन्च
प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो एक प्रकार से धीरे 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 शुरू में जहाँ पर इंडियन डायस्पोरा है वहाँ स्वीकृति मिल रही है और व्यापार जगत को भी भारत अपने आप में बहुत बड़ी मात्रा में मिडिल क्लास का बल्क बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय बहुत बड़ी मात्रा में विदेश में टूरिस्ट के रूप में जा रहे हैं, उनके लिए भी एक सुविधा बन जाती है अगर अन्योन्य व्यवस्था हो जाए। ताकि बातों को लेकर के एक अच्छा अवसर हमारे यहाँ उपलब्ध हुआ है। भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए कई क्षेत्र हैं और सभी क्षेत्रों का ध्यान आप लोगों का भी है और आप भी उसमें कुछ न कुछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी का ये तीसरा यूएई दौरा है। उनका ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। यूएई पहुंचते ही पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 4 साल में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्ते मजबूत होकर खरीदार और विक्रेता से व्यापक रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि यूएई कश्मीर मसले पर भी भारत का समर्थन कर चुका है। पाकिस्तान की इच्छा के विपरीत यूएई ने कहा था कि कश्मीर से धारा 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला है। यूएई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहरीन जाएंगे। इसके बाद G7 समिट में हिस्सा लेने वापस फ्रांस आ जाएंगे। बहरहाल भारत और यूएई के बीच रिश्ते और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, जो भविष्य के लिए अच्छी बात है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया।